गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताना चाहूँगा, जैसे कल मैंने आपको आइसोलेशन और क्वारंटाइन का जो डिफरेंस होता है वो बताया था। तो आपको याद हो गया होगा कि आइसोलेशन वो होता है जैसे आप मान लीजिए बीमार नहीं हैं और कुछ लोग बीमार हैं, तो आप अपने आप को उनसे अलग कर लेते हैं अपने आप को, तो आप अपने आप को आइसोलेशन में डाल ले रहे हैं। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन में है कि आप कुछ ऐसे बीमार लोगों के संपर्क में आ चुके हैं लेकिन अभी आपके अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं बीमारी के, वो उस कंटाजियस डिजीज के, तो आपको क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। क्वारंटाइन तो आप एक जगह और यूज़ करते हैं, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, तो कुछ फाइलें आपकी सस्पिशियस हो जाती हैं, तो जब आप एंटीवायरस चलाते हैं तो उन फाइलों को जो गलत फाइलों के संपर्क में आ चुकी हैं लेकिन अभी भी उनमें लक्षण नहीं खराब होने के, उन्हें आपका एंटीवायरस किसमें डाल देता है, याद करें, क्वारंटाइन में डाल देता है। आज जिन शब्दों पे हम डिस्कशन करेंगे वो दो शब्द हैं आपके, एक मेन वर्ड है एक्चुअली हमारा इस समय का जो आप जान रहे हैं, लॉकडाउन, और इसके साथ साथ एक और वर्ड लॉकआउट, ये दो वर्ड्स। लेकिन अभी हम इनका जो लिटरल मीनिंग है वो हम समझते हैं। ये जो लॉकडाउन होता है, आप ये समझ लें, ये लॉकआउट का उल्टा होता है। लॉकडाउन में क्या होता है, हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं, एक स्कूल की संरचना ले लेते हैं, एक स्कूल के अंदर अगर किसी प्रकार का परसीव्ड डेंजर है, यानी स्कूल के अंदर यदि खतरा है तो स्कूल के अंदर के लोगों को बाहर जाने से मना कर दिया जाए, ये स्थिति क्या है आपकी, लॉकडाउन की होती है। लॉकआउट क्या होता है, स्कूल के अंदर खतरा नहीं, स्कूल के बाहर खतरा है, तो बाहर से अंदर आने वालों को भी और अंदर से बाहर जाने वालों को भी रोक दिया जाता है, ये लॉकआउट है। फिर से, लॉकडाउन, स्कूल के अंदर खतरा है तो अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये लॉकडाउन है। और लॉकआउट क्या है, स्कूल के बाहर खतरा है तो बाहर वालों को अंदर और अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये इनका जो मैंने बताया, ये मैंने इनका लिटरल जो मीनिंग होता है लॉकडाउन और लॉकआउट का, वो मैंने आपको समझाया। अब हम इसे विस्तृत अर्थ में एक समझते हैं। देखिए, अगर आपको लॉकडाउन को अच्छे से समझना है तो आपको तीन चीजों को समझना होगा। पहला 144, दूसरा लॉकडाउन, और तीसरा कर्फ्यू। तीनों शब्द, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक क्रमोत्तर सेंस में, मीन्स डिग्री के सेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले 144 से, बिल्कुल आसान है, ये सीआरपीसी की धारा 144 होती है। ये एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में तब लगाई जाती है जब लगता है कि खतरा है, बाहर खतरा है, तो उसमें कुछ चीजें पारित की जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि 5 से अधिक लोग एक जगह पर कलेक्टिव सेंस में नहीं हो सकते हैं, यानी 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्र नहीं हो सकते हैं और वो अपने साथ किसी प्रकार के वेपन्स वगैरह नहीं रख सकते हैं। ये धारा 144 होती ताकि खतरा बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन आप जान रहे हैं स्थितियां जैसे बहुत गंभीर हो जाती हैं तो धारा 144 कोई मायने नहीं रखती है, तो तब सरकार क्या करती, धारा 144 से आगे बढ़ती है और लॉकडाउन पे आ जाती है। तो जब धारा 144 असफल हो जाती है तो लॉकडाउन आता है। लॉकडाउन में धारा 144 भी शामिल हो जाएगी, यानी पहली दो चीजें शामिल हो जाएंगी कि आप 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्र नहीं हो सकते हैं और दूसरा वेपन्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ और चीजें इसमें आपकी जुड़ जाएंगी। क्या जुड़ जाएंगी, आपकी जो ये फ्लाइट्स हैं आपकी, ट्रेन्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सब बंद कर दिया जाता है। यानी इसमें ये चीजें बंद नहीं थी धारा 144 में, लेकिन लॉकडाउन में वो 5 से अधिक वाला जो कानून है वो, और वेपन्स वाला कानून तो लागू ही होता है। ये सब चीजें, फ्लाइट्स का आवागमन बंद हो जाएगा, ट्रेन्स का आवागमन बंद हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे पूरी तरह से बंद किया नहीं जा रहा है, कुछ अपने हिसाब से लोग कानूनों को चला रहे हैं, तो ये चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन इसमें ये एक फायदा होता है
कि जो जरूरी सामान की दुकानें होती हैं, जैसे आपकी ग्रॉसरी वगैरह की दुकानें होती हैं, मेडिकल की शॉप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें लॉकडाउन में खोली जाती हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे, अक्सर आपसे कहा जाता होगा कि अगर लॉकडाउन सफल नहीं होगा तो सरकार जो है कर्फ्यू लगा देगी। यानी अब लॉकडाउन के आगे की जो स्थिति है वो क्या है? कर्फ्यू की है। इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें, यानी वो जो 5 से अधिक लोगों का कलेक्ट होना, एक वो भी बंद, वेपन्स का अपने साथ रखना बंद, फ्लाइट्स बंद, ट्रेन्स बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, और जो आपको रियायतें सहूलतें दी गई थी वो सारी, वो जो मेडिकल शॉप्स थी या फिर जो ग्रॉसरी वगैरह की दुकानें थी या फिर जो सब्जी वगैरह की दुकानें थी, ये सारी चीज़ें जा करके कर्फ्यू में क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और एक स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए जाते हैं ताकि पब्लिक को उनके घरों के अंदर रखा जा सके। यानी अगर आप देखें तो तीनों एक दूसरे से बढ़ते हुए क्रम में, 144 में स्पेशली दो चीजें लागू कराई जाएंगी। कौन सी दो चीजें? 5 लोगों से अधिक एक जगह एकत्र न हो और वो वेपन्स वगैरह अपने साथ न रखें। लॉकडाउन उसका अगला चरण है कि एक धारा 144 सीआरपीसी के तो उसमें है ही, आपकी ये चीजें भी बंद हो जाएंगी, यानी फ्लाइट्स का, ट्रेन्स का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत रियायतें लॉकडाउन में रहेंगी, और कर्फ्यू में सारी चीजें बंद हो जाएंगी, सरकार सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी और पब्लिक से कहा जाएगा कि अब आप बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते, इवन ग्रॉसरी या मेडिकल शॉप से सब्जी वगैरह के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, आपको केवल घर के अंदर रहना। और ये सब कुछ किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि खतरा बाहर ज्यादा है। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे 144 का अगला चरण स्टेप जो होता है लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन का जो अगला स्टेप होता है वो कर्फ्यू होता है। आप ये भी समझ गए होंगे कि लॉक आउट और लॉकडाउन में क्या फर्क होता है। लॉक आउट में क्या होता है? स्कूल के बाहर खतरा है, और लॉकडाउन में क्या होता है? स्कूल के अंदर खतरा होता है, इसलिए आवागमन वहां बाहर से अंदर और अंदर से बाहर बंद कर दिया जाता है। उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे, और आगे ध्यान रखिएगा, जैसे आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, हाइजीन है, लॉकआउट है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, ये वर्ष आगे जरूर ही आपके एग्जाम्स में आपको आजमाए जाएंगे। थैंक यू।